कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति करने कूद पड़ती है और पार्टी हर मुद्दे के लिए पीएम मोदी को ही जिम्मेदार मानती है। हालांकि पीएम मोदी कांग्रेस के आरोपों पर बिना ध्यान दिए विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी द्वारा भाव न मिलने और बीजेपी की ओर से करारा जवाब मिलने से कांग्रेस नेता बेचैन हो गए हैं। दरअसल उड़ीसा रेल हादसे को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। इस मुद्दे पर 5 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए थे। वहीं इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने पलटवार करते हुए खड़गे को पत्र लिख डाला। बीजेपी के सांसदों ने तर्क दिया कि खड़गे का पत्र बयानबाजी ज्यादा और कम तथ्यों पर आधारित है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने खड़गे के पत्र को कमजोर करने के लिए इन बीजेपी सांसदों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि खड़गे के पत्र को कमजोर करने के लिए बीजेपी सांसदों ने कुछ भी तर्क दिया है। ये भगवा पार्टी की पूर्ण असहिष्णुता का एक और उदाहरण है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और तेजस्वी सूर्य सहित कर्नाटक के 4 बीजेपी सांसदों ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा था। बीजेपी सांसदों ने तर्क दिया कि खड़गे का पत्र बयानबाजी ज्यादा और कम तथ्यों पर आधारित है। पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपके द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में हमें ये कहना है कि आपके पत्र में राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है। आपने जो सवाल उठाए हैं उसमें तथ्यों की कमी है। एक पूर्व रेल मंत्री होने के नाते आपसे गहराई और समझ को दिखाने की आशा की जाती है, फिर भी हमारे साथ आपका हाल ही में किया गया पत्र व्यवहार तथ्य परक सुझाव नहीं देते हैं, इसलिए हम आपके वास्तविकता के साथ आपके लिए अनुमानों के तथ्यनात्मक जवाब दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के चिट्ठी आने के बाद पी चिदम्बरम को जबरदस्त मिर्ची लगी, जिसके बाद चिदम्बरम ने चारों बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों का पत्र तथ्यों पर सतही और तर्कों पर खोखला है। बीजेपी सांसदों की प्रतिक्रिया किसी भी आलोचना के लिए बीजेपी की पूर्ण असहिष्णुता का एक और उदाहरण है। चिदम्बरम ने कहा कि खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते हैं। लोकतंत्र में लोग अपनी बात पीएम के सामने रख सकते हैं और उनसे उनके जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि पीएम इसे जवाब देने के लायक नहीं समझते। उनकी बजाय बीजेपी के 4 सांसद खुद जवाब देने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, जो तथ्यों पर सतही और तर्कों पर खोखला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।